दादाजी। जिम भी पागल खाने में इसलिए नहीं है कि उसने महान को मारा था ना, ना। महान को दुर्गा शंकर ने मारा था। दादाजी आपके नाटक से तो पर्दे ही उड़ गया, क्यों मामा सिंह? वैसे कहते तो कुछ और है, चेहरे से पर्दा उठ गया, नाटक पे पर्दा पड़ गया। क्यों बे? बेटा देखो तो सही कैसे गिड़गिड़ा रहे। अरे उस दिन तो तू मेरे हाथ से बच के निकल गया गंजे, अब तेरे को कौन बचाएगा? अंबा तिवारी से नाम याद है ना मेरा? हाँ याद है, अच्छी तरह से याद है। वो श्वेता है ना, वो मुझसे जबरदस्ती करवा रही थी। मेरे को मालूम है, इसको भी मालूम है। एक काम कर, मेरे साथ चल, पुलिस को जाके सब कुछ सच सच बता दे, तभी सही रहेगा। वैसे सच बोल रही, अगर उस दिन तेरी असलियत मालूम होती ना, चेंज कर डालती ऊपर से। देखो विक्की बेटा, देखो मुझे छोड़ दो, मुझे बताना। ए क्या कर रही हो श्वेता, गोली मत चलाना। जाने दो। लेकिन अम्मा उसे। अरे जाने दे, अपना काम हो गया, चल सोना फॉर्म। चल इतने दिन मेरा भी भेजा खराब हो जाए, चल। जिम भी पागल खाने में इसलिए नहीं है कि उसने महान को मारा था ना। महान रिमझिम का शिकार नहीं बना था, महान को इस दुर्गा शंकर ने मारा था। रिमझिम रो मत। अरे बहुत हो गया, कितना रोएगी? हाँ आंसू आदमी को कमजोर बनाता। अरे अभी तो धर्म युद्ध शुरू हुआ है, सच्चाई की लड़ाई लड़नी है तेरे को। अरे थोड़ा वक्त इंतजार करना, अपने घर में होगी तू। ये सब तो ठीक है पापा से, लेकिन सबसे पहले रिमझिम आंटी के सर पर महान कत्ल का जो झूठा केस है, हमें उसे गलत साबित करना होगा। इस बयान से साफ जाहिर होता है कि रिमझिम शर्मा बिल्कुल निर्दोष है, लेकिन मुझे देखना पड़ेगा कि हमारी रिपोर्ट क्या कहती है। हेलो, मात्रे को अंदर भेजना, मान शर्मा मर्डर केस फाइल के साथ। ओके सर। मेरे से गलती हो गई। अरे उसी दिन दुर्गा को पकड़ लेती ना, सबूत ना गवाह किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी थी। आप फिक्र मत करिए, अगर वो दोषी है तो जरूर पकड़ा जाएगा। मैं कमिंग सर। सब उसे अपना लो।
रोते नहीं, अब तो जल्दी से सब कुछ ठीक हो जाए, है ना? बात रे, तुम फौरन दुर्गा शंकर के खिलाफ वारंट इश्यू कर दो। जी सर। और रिमझिम शर्मा के खिलाफ जो भी चार्जशीट हमने किया था वो हम वापस लेने के लिए कोर्ट से अपील करेंगे। अच्छा, पहली बार तुम्हारा सामना पापा से होगा। बस माँ, मेरा बस चले ना तो मैं आपको इतना सजाऊं, इतना सजाऊं, बिल्कुल वैसे ही जैसे आप पहली बार उस घर में गई होंगी। बिल्कुल एक दुल्हन की तरह सच के। लगे रहो भाई, लगे रहो। बना के भेजना अपनी माँ को दुल्हन उस घर में। वो श्वेता वहां खड़ी है ना इनका वेलकम करने के लिए। क्या मतलब? देख रहे मुझे, जो लोग धर्म की लड़ाई लड़ते हैं ना, सुख की इच्छा नहीं रखते। अरे अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई, सपने पहले देखने शुरू कर दिए तूने। हमारे सपने ही हमें उम्मीद देते हैं अम्बा, और हमें विश्वास है कि वो पूरे होंगे। देख, मैं तेरी बात सही है, लेकिन मेरी भी एक बात सुन। जो इंसान जिस भाषा में बात करता है ना, उसे उसी भाषा में जवाब देना चाहिए। वो साली श्वेता, हाँ, चाले चल के तेरे को पागलखाने भेजा। अरे मेरी बिटिया को घर से बाहर निकाल दिया, अब हम भी वही चाले चल के उसको घर के बाहर निकालेंगे। लेकिन हाँ, जो मैं बोलेगी तो वही करेगी। देख रिप जी, अब तू अपने घर जा सकती है। अरे पुलिस ने भी बेगुनाह बोल दिया तेरे को। आप में से पूजा में कौन बैठेगा? आपकी पत्नी कहाँ है? अगर आप विवाहित हैं तो इस पूजा में आपके साथ आपकी पत्नी का बैठना बहुत ही जरूरी है। कहाँ है आपकी पत्नी? बुलाइए उन्हें। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। मेरी पत्नी यहाँ पर नहीं है। अविनाश, अविनाश, अविनाश वापस आ जाओ बेटा, वहां कोई नहीं है।
पय पृथिव्यां पय औषधि सुपयोधि। दादाजी, आइए। क्या बात है बेटा? इंस्पेक्टर साहब यहाँ क्यों हैं? आप सबके लिए एक अच्छी खुशखबरी लेकर आया हूं। इंस्पेक्टर साहब, रिमझिम का पता चल गया क्या? नहीं। फिर कौन सी खुशखबरी लाए हैं आप? इससे बड़ी और अच्छी खुशखबरी क्या हो सकती है कि रिमझिम शर्मा निर्दोष है। रिमझिम शर्मा निर्दोष दोष। रिमझिम निर्दोष है? मेरी मेरी बच्ची निर्दोष है? जय मां दुर्गे। मेरा मेरा विश्वास जीत गया। मेरी बात सच साबित हो गई। मेरी मेरी रिमझिम निर्दोष है। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये आप कैसे कह सकते हैं कि रिमझिम निर्दोष है, जबकि उसने खुद कबूल किया है कि मेरे बेटे महान का खून उसने किया है। ये तो मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, लेकिन इस बात के हमारे पास पुख्ता सबूत है कि महान शर्मा का खून रिमझिम शर्मा ने नहीं किया बल्कि किसी और ने किया। कौन है? उसका नाम है दुर्गा शंकर। क्या? नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? गोली तो रिमझिम ने चलाई थी। जी नहीं, हमारे फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक जिस पिस्तौल से महान शर्मा का खून हुआ वो रिमझिम शर्मा का नहीं बल्कि किसी और का। और इसके अलावा हमारे पास एक और सबूत है जो दुर्गा शंकर को मुजरिम और रिमझिम शर्मा को निर्दोष साबित करती है। आज रिमझिम भी पागलखाने में इसलिए नहीं है कि उसने महान को मारा था। ना, ना। महान को इस दुर्गा शंकर ने मारा था। महान को इस दुर्गा शंकर ने मारा था। दुर्गा शंकर को उसके किए की सजा तो मिलेगी, जरूर मिलेगी, लेकिन मेरी बच्ची के निर्दोष होने की खबर तो आपने सुना थी इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हमारे इस घर में रोशनी कब हो कब लौट कर आएगी मेरी बच्ची? हम उनकी तलाश कर रहे हैं और जल्द पता लगा लेंगे। जब खबर सुबह आया है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। आइए पूजा शुरू करते हैं। महान को इस दुर्गा शंकर ने मारा था। दुर्गा शंकर? इतना बड़ा विश्वास का? क्यों किया तुमने ऐसा दुर्गा शंकर? क्यों? मैं तुम्हें चाचा जी कहकर अपना मानती रही और तुमने मेरे बेटे का खून कर दिया। श्वेता, मुझसे गलती हो गई। दरअसल मैं महान को नहीं विकी को मारना चाहता था।
लेकिन लेकिन गोली गलती से महान को लग गई। लेकिन मुझसे जो ये गलती हुई है इसी की वजह से रिमझिम पागलखाने पहुंची। वरना रिमझिम को पागलखाने पहुंचाने के लिए तुमने मेरे बेटे का बलिदान दे दिया। मुझसे गलती हो गई, मैं कह रहा हूँ ना, मुझसे गलती हो गई। दुर्गा शंकर चिल्लाओ मत। कितनी बार कहा कि मुझसे चिल्ला के बात मत किया। देखो श्वेता, अपने बेटे का गम भुलाकर हो सके तो अपनी चिंता करो, क्योंकि मुझे लगता है अब तुम्हारी जिंदगी खतरे में है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। कभी माफ नहीं करूंगी दुर्गा शंकर। हाय 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 हाय, अरे कितना अफसोस हो रहा है मेरे को तेरे लिए। किसी की बेटी मारने चली थी, खुद का बेटा मर गया। किसी को घर के बाहर निकाला था ना, पता नहीं खुद इस घर में टिक पाई या नहीं। इसे कहते हैं माँ का इंसाफ। कौन हो तुम और चाहती क्या हो? अरे मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये जो तू खेल खेल रही है ना, उसका दूसरा हिस्सा शुरू हो गया है। बैंड बजा ली थी ना आज तक सबकी, अब तेरी बैंड बजेगी। किसकी बात कर रही हो? देख, मैं सिर्फ यहाँ एक संदेश देने आई हूँ। अम्बा इधर आई है तेरे सर्वनाश के लिए। तेरा सर्वनाश होगा। विश्वास नहीं हो रहा ना? चल मेरे साथ, खुद देख ले।